साइंस 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। आप यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को कैसे आसानी से लिख सकते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझा जा सके। देखिए, फिफ्थ पोस्टुलेट में यह बताया गया था, बुक से पढ़ते हैं पहले फिफ्थ पोस्टुलेट को, फिर आप समझेंगे ज्यादा बेहतर। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। ये मैं आपको इसकी first video में भी समझा चुका हूँ, इस fifth postulate को। इसमें ये कहता है कि अगर कोई दो सीधी लाइनें हैं और उनके ऊपर एक सीधी लाइन पड़ रही है ऊपर से, तो जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ना, जिस तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम टू राइट एंगल्स यानी कि 180 डिग्री से कम होता है, वो आगे बढ़ाने पर वो लाइनें आपस में कहीं ना कहीं जाके टकरा जाएंगी। ये है फिफ्थ पोस्टुलेट। इसी को इजी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, व्हेन टू लाइंस आर कट बाय अ थर्ड लाइन, जैसे कि ये आपकी टू लाइंस हैं कट बाय अ थर्ड लाइन, इसको थर्ड लाइन ने कट किया, सच दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180। इस तरह से कट किया कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम है ना, ये दोनों मेरे इंटीरियर एंगल्स हैं, ये ए और बी मान लिया मैंने, तो ए और बी का जो सम है वो 180 से कम है, यानी ए प्लस बी मिलके आपका 180 से कम है ऑन वन साइड, यानी इस तरफ। Then first two lines intersect on the same side। तो जो मेरी जो पहली लाइन है ना, जो यहाँ कट कर रही थी, माने कि ये वाली लाइन है, ये आपस में उसी तरफ जाके कट जाएंगी, यानी सेम साइड, जिस तरफ मेरे ये एंगल्स प्लस होके 180 से कम आए, ये वाली जो दोनों लाइन है ये आपस में इसी तरफ जाके कहीं पे कट जाएंगी। ये है फिफ्थ पोस्टुलेट। इसको इस तरह से आसान लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप। चलिए, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी आपका इसी पोस्टुलेट के ऊपर बेस्ड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोस्टुलेट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके। चलिए, क्वेश्चन 2 में कहता है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, कि यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइन होने का आपको इम्प्लाई करता है क्या? वो उससे पता चलता है कि कहीं पे पैरेलल लाइंस भी होती हैं। तो देखिए, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, अभी अभी बताया ना मैंने आपको कि कोई दो लाइनें और उनको कोई तीसरी लाइन काट रही हो, और जिस तरफ एंगल्स 180 से कम बन रहे हो इंटीरियर एंगल्स, वो आगे जाके कहीं पे मिल जाती हैं। ये है फिफ्थ पोस्टुलेट। अब इसी फिफ्थ पोस्टुलेट से हम ये प्रूफ करेंगे कि पैरेलल लाइंस एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट, यहां से सॉल्यूशन है, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट, मैं एक फिगर बनाता हूं आपको समझाने के लिए। ये मैंने फिगर बनाई, इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया, इसका नाम मैंने सी रख दिया एंगल का, इस तरफ वाले का नाम मैंने डी रख दिया। अभी मेरी दो लाइनें हैं, इनको मेरी तीसरी लाइन काट रही है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट कि ये जो ए प्लस बी हैं, अगर ये आपके 180 से कम है, यानी ए प्लस बी अगर लेस है 180 डिग्री से, देन द लाइन मीट ऑन राइट साइड, क्योंकि ये राइट की तरफ है ना, राइट की तरफ वाले इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 से कम है,
तो ये कहीं पे इधर जाके आपका मिल जाएंगी ऐसे। तो लिखेंगे देन द लाइंस मीट ऑन लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड के जो दोनों एंगल हैं वो 180 से कम बैठते हैं। इफ, लेकिन अगर मैं कोई एक पेयर और बनाता हूं, मान लीजिए ये मेरी दो लाइंस हैं, ये मैंने एक थर्ड लाइन बना दी, यहां पे मैंने P लिख दिया, यहां पे मैंने एंगल Q लिख दिया। अब P और Q, ये PQ हो गए, इधर भी मैं लिख लेता हूं R और S, दो एंगल इधर लिख दिए मैंने। अगर P और Q दोनों मिलके 180 के बराबर हो जाते हैं और एंगल R और एंगल S, ये R और S हैं, मैंने छोटे में लिख लेता हूँ, ये मैंने वैल्यू लिखी है एंगल की, R और S, ये भी दोनों मिलके 180 के हो जाते हैं, तो फिर ये लाइनें कहाँ मिलेंगी? देखिए, ये पेयर भी आपका 180 से कम नहीं बैठ रहा, 180 के बराबर है, 180 से कम नहीं है, इसका मतलब है कि ये कहीं भी आगे जाके नहीं मिलेंगी, और ये भी आपका 180 से कम नहीं है, यानी कि ये भी आपकी कहीं नहीं मिलेंगी। तो फिर होगा क्या? होगा ये कि ये कभी भी नहीं मिलेंगी, कभी भी नहीं मिलेंगी, तो यानी का मतलब कि ये पैरेलल लाइंस है। तो इस तरह से फिफ्थ पोस्टुलेट को यूज करके आप ये शो कर सकते हैं, आप प्रूव कर सकते हैं कि हाँ पैरेलल लाइंस भी होती हैं। अच्छा, फर्स्ट में ना मैंने एक चीज मिस कर दी कि जैसे यहाँ पे a प्लस बी को छोटा दिखाया है ना 180 से, यहाँ पे c और d को भी आप दिखा दीजिए 180 से बड़ा, वो क्यों होगा ये भी बताता हूँ। तो c प्लस d, ये बड़ा होगा आपका 180 से। तो दो चीजें लिखनी है आपको कि a प्लस बी को छोटा दिखाइए 180 से, फिर ये भी दिखाइए कि जो C प्लस D है ना, यानी दूसरी साइड वाले एंगल्स, वो आपके बड़े हैं 180 से, और वो बड़े होंगे भी, क्योंकि चारों एंगल मिलके 360 होते हैं ना, लीनियर पेयर तो बन ही रहा है, तो ये तो बड़े होंगे। तो तब ऐसा होता है तो वो वाली साइड मिल जाएंगे जिस तरफ आपके छोटे हैं, यानी कि इस तरफ। अब दूसरे में क्या होगा, एक ऐसा पेयर बनाइए जहां पे दोनों तरफ के एंगल्स आपके 180 हैं, ये दोनों 180, ये दोनों भी 180, तो ये लाइनें यहाँ इस तरफ भी नहीं मिलेंगी, ये लाइनें इस तरफ भी नहीं मिलेंगी, तो होगा क्या, फिर ये पैरेलल लाइंस हैं। बस यही रिजल्ट है। अब लैंग्वेज में लिखना है आपको, इट मींस दीज लाइंस नेवर मीट ऑन लेफ्ट साइड nor meet on right side. ना तो ये लेफ्ट साइड मिलेंगी और ना ही ये राइट साइड मिलेंगी, तो क्या होगा, therefore the lines are parallel. The lines are parallel. तो फिर ये parallel ही होंगी जब मिलेंगी नहीं कहीं पे। तो फिफ्थ पोस्टुलेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ये दो क्वेश्चन थे आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, ये इस एक्सरसाइज में से पेपर में आपका क्वेश्चन आता है। तो दोनों क्वेश्चन हो गए आपके, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो।